आंखों में कहीं नींद नहीं है अभी, देखो बिल्कुल भी नींद नहीं है इसकी आंखों में। पहल घड़ी नहीं देखी इनसे यार बियाने आने बियाने मतलब गण है गण नहीं आ दो रात को लड़ में तो दादी उठे सही। आप सभी को नमस्कार, देवभूमि उत्तराखंड के काशीपुर शहर से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, और साथ साथ ये भी आशा करते हैं कि आप जहाँ से भी हमारे चैनल के वीडियोस देखते हैं आप उस स्थान में स्वस्थ होंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुशलपूर्वक होंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ मेरी बुआ भी आ रखी है बसई से, मेरी बुआ रहती है बसई में रामनगर के पास। तो हमारे को तो इतना समय मिलता नहीं है कि बुआ से मिल के आएँ, लेकिन मेरी बुआ जो है यहाँ हम लोगों से मिलने के लिए मतलब टाइम बे टाइम आ ही जान। तो भल लगन दीती थे एक हैं बढ़िया सजान चना उसस्त नहीं आंद ना 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 अपना बुलों दगर का विद्याल से दिल की खराब लग। तो दीदी हमारे साथ बहुत रही है, साथ एक आत्मीय संबंध है, और दीदी इस परिवार की सबसे बुजुर्ग है हमारे परिवार में। दीदी कद का साल हो गई तू लगभग किले ही क्या पिता से बल 5 साल छोड़ से तो पिता जो है लगभग 73 साल का। हां तो 5 साल 74 75 76 77 78 78 साल हो गई। तो 2 साल बाद तिल 80 साल हो जा तब त्यार जन्मदिन मनोला कई महीने आन त्यार जन्मदिन मैं तो शिन पता भी नहीं कोई महीना तो कल बतौल तो पहले लगभग मतलब कई महीने आंद असूज कार्तिक मक्षीर असाड़ वाली सोनो वाली हैं बस गाल मैंने मतलब अच्छा 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 दादी बोल छे ने हां तब जर जर पता पहले तो तारीख का खून छा पता तारीख हो दिन छा पहले घड़ी नहीं देखी इनसे या बियाने आन बियाने मतलब गण है गण नहीं आंदो रात को लड़ में हां तो दादी उठे छे बोल छे बियाने आ गया कई बार पिसण में। अरे आता दादी पिसणो आता फिर 15 बजे पानी ले आनो तो बुइल करणो वही घर कूड़ फल आए बहुत खैर थे रात भर सिंगनी से। हाँ हाँ मेहनत करना वाला आदमी भी तो छाओ बहुत है ना संघर्ष ज़्यादा छाओ ये जीवन तो जल्दी गई भी थे। आहा तो अभी सुबह सुबह की धूप लगी हुई है बढ़िया, और मैं और बुआ रखे हैं छत में। बुआ ने नाश्ता भी कर लिया है और मैंने अपना टिफिन भी पैक कर लिया है। तो ये जो हमारे घर के पास रोड है ना इसमें बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो सब लोग परेशान रहते थे इससे पूरी कॉलोनी के लोग। तो उन सभी लोगों के सामूहिक प्रयास से अब इस रोड का उद्घाटन भी हो चुका है, मतलब बनाने का उद्घाटन क्या शिलान्यास बोलते हैं शिलान्यास, हाँ तो शिलान्यास हो चुका है उसका, और बोल रहे हैं कि बहुत जल्द ये रोड पक्की बन जाएगी ये वाली सारी वहाँ तक। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बस गाल में पैंड भरे जान दीदी का भयंकर पानी माछा हुआ है एक तो बड़बड़ तब लोग मरी हूँ माछा माछा हाँ हाँ बिज्जा माछा यूँ सारे प्लॉटों में माछा चाहिए। ये जो प्लॉट है ना इनमें पानी भरा हुआ था फुल, और उसके बाद फिर लोग आते थे इनसे पानी निकाला, इसका पानी उसमें उसका पानी उसमें, और फिर खूब मच्छियाँ खाई लोगों ने यहाँ। तो बरसात के फ़ायदे उठाए भैया लोगों ने अच्छी तरह से। मेरी बुआ ना जब भी काशीपुर आती है तो सुबह जल्दी उठ जाती है, अपने घर में भी वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं और हम सबको भी उठा देती हैं यहाँ सुबह काशीपुर में बोलते हैं उठो रे उठो। तो सुबह भी बुआ 5 बजे उठ गई थी, उसके बाद बुआ ने और भैया ने ये पाइप लगाया यहाँ से छत से नीचे की तरफ, और ये जो क्यारियाँ बनाई थी ना यहाँ इनमें सिंचाई की सुबह से ही पूरी सिंचाई कर दी। तो इनमें अंकुरण हो चुका है जो भी बो रखे थे हमने, लहसुन धनिया पालक गाजर मूली सब उग गया है बढ़िया। जान जान दीदी आवा नहीं ये पानी बोलो पानी है ना पानी बढ़िया जामी के तुम बराबर पानी डालन पड़ो। हाँ हाँ सर्दियों में तो वही जान खैर वो तो का पानी की जरूरत नहीं पड़े ना पाबू को नहीं रहने गर्मी में नहीं होना ना। तो अभी तक मैं अपने दूसरे चैनल के लिए वीडियोस बना रहा था, उसमें वॉइस ओवर करना था, जो मेरा एजुकेशनल चैनल है द हिमालयन लाइट, तो वो भी अब मैंने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि बाहर से आवाज़ें आते रहते हैं गाड़ी मोटर हॉर्न, कोई सब्जी बेचने वाला कोई कपड़े बेचने वाला, तो बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन टाइम निकालना पड़ता है बीच बीच में पॉज दे दे करके। पूरा वॉइस ओवर कंप्लीट हो चुका है, वीडियो भी आ जाएगा दूसरे चैनल पर द हिमालयन लाइट पर। तो आपके घर में भी यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप उनको ये चैनल शेयर कर सकते हैं। फिट कर दिया भैया इसने
चलो जी अब चलते हैं। फैमिली के सारे मेंबर्स सुबह ही स्कूल जा चुके हैं और घर में है साधना और मेरी बुआ, और अब मैं भी चलता हूँ सीधे। आज तो थोड़ा लेट भी हो गई मुझे लग रहा है, लेकिन कवर हो जाती है दूरी रास्ते में। चलो जी अभी हैं हम अपने इंस्टीट्यूट में, बाहर लग रखे है चटक धूप। ये देखिए, और यहाँ पर है पपीते के ढेर सारे पेड़। आहा, दोपहर का लंच भी हो चुका है, चाय भी पी ली है, और अब हम चलते हैं फिर से घर की ओर। तो अब घर में जो है शाम की ड्यूटी शुरू हो गई है। देखो दावे की ड्यूटी डुग्गू राजा दगड़, और इसको देखो चटक देख रहा है इधर उधर। रुकी तो सो गया क्या वो? रुका तो देख रहा है। ये है डुग्गी राजा। डुग्गी राजा बहुत बड़े। बुआ दूसरी बार देख रहे हो उसको, है ना? हाँ, बोलो। एक बार तो हॉस्पिटल में देखा था। टुग्गी जय कर दे, चले जय जय करण वेल। नानी का है डुगू, देख बुआ। ओ डुगी कुछ ले गया दीदी भाई? मैं बोल नहीं थी कि बोलो आया भी तो ये नहीं खुचल पड़ जाए, तुम वही था फाड़ के घूमे लाने ना भाई, खुचले नहीं चाहिए। तो समझदार बच्चा चाहिए, तो बहुत समझदार है डुगी। निंदा नहीं जाए। हरिओम 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 हरिओम। तो अभी टाइम हो गया 9:30, और ये इसका सोने का टाइम है। दूध भी पी लिया इसने फुल, और अब आँखों में आ रही है निन्नू। घूमी घूमी करना है, चलो सो जाओ फिर। आए निन्नु आ जा निन्नु, आए सोना आ रे राजा। इसको ना बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं चाहिए भाई। अभी हो रहा है टाइम रात के 2:26, और आप देख सकते हैं टुग्गू के क्या नखरे चल रहे हैं। ये उठ रखा है इस समय अच्छी तरह से, रात के 2:30। ओ महाराज, ओ महाराज, बोल तो किया क्या है इसने? किया क्या है इसने, पोटी कर दी उसने। हाँ। रात के 2:30 मोस्टली करता नहीं है कभी, आज पता नहीं कैसे कर दिया इसने, सुबह करता है 5:00। और हम दोनों इस समय लगे हुए हैं ड्यूटी में, और इसकी इसकी आंखों में कहीं नींद नहीं है। अभी देखो बिल्कुल भी नींद नहीं है इसकी आंखों में।